अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, आज पहले दिन का खेल खत्म हुआ और पाकिस्तान ने आज कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई है। श्रीलंका को पाकिस्तान ने पहले ऑल आउट किया सिर्फ 166 रन के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 145 पे दो है पाकिस्तान। आज जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है, सिर्फ 21 रन बिहाइंड है। तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे स्टूडियो में। पाकिस्तान ने वही अप्रोच, वही माइंडसेट, वही इंटेंट के साथ बैटिंग की, वही इंटेंट के साथ पाकिस्तान ने आज खेला, जिस इंटेंट की हम बात कर रहे थे, जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जो लास्ट मैच में अप्रोच शो की थी, अगर पाकिस्तान उसी अप्रोच को कंटिन्यू करता है तो पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम नजर आएगी, और वही अप्रोच को पाकिस्तान ने आज भी कंटिन्यू किया। एक वक्त में पाकिस्तान 7 रन पर ओवर से खेल रहा था, जो कि अनबिलीवेबल था पाकिस्तान की टीम को देखते हुए। और जो पाकिस्तान ने जब खेल का इख्तिताम किया, आज दिन का इख्तिताम हुआ, पाकिस्तान 5 से ज्यादा के रन रेट से पाकिस्तान ने बैटिंग की, 145 पे दो। अब्दुल्ला शफीक 70+ रन पे खेल रहे हैं और नॉट आउट है, उनका साथ दे रहे हैं बाबर आजम, वो भी अभी क्रीज पर आए थे, उन दोनों ने अच्छा संभाला हुआ था इनिंग्स को। लेकिन जो अब्दुल्ला की और शान मसूद की पार्टनरशिप हुई है वो बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेली, वो अपने शेल में नहीं गए, जो पाकिस्तान ने लास्ट मैच में शुरू किया था उसी को कंटिन्यू किया। स्पेशली शान मसूद तो बहुत ही यार खुले खेल रहे हैं, वो अपनी विकेट की परवाह नहीं कर रहे, शानदार 50 स्कोर की उन्होंने, काफी अरसे बाद उन्होंने 50 बनाई। और इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने भी 11 इनिंग्स के बाद उनकी ये 50 आई है, एक बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंट अब्दुल्ला शफीक। और आप लोग यार ये वीडियो पूरी देखते नहीं है फिर आप लोग बातें करते हैं, जो मैंने प्लेइंग 11 की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बात की थी, मैंने ये चीज कही थी कि अब्दुल्ला को आपको बाहर नहीं बिठाना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग कह रहे थे कि अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं है, उनकी जगह किसी और को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो काफी फ्लॉप हो रहे थे। लेकिन मैंने स्टूडियो में कहा था कि आपको अब्दुल्ला को नहीं बिठाना चाहिए, ऐसा टैलेंट आपको बार बार नहीं मिलता, ये ऐसा टैलेंट होता है जो आपको लगता है, आपको नजर आ रहा होता है यार कि ये कोई नेक्स्ट लेवल चीज है जैसे वो खेलते हैं, लेकिन कुछ आप पे बैड पैच आया होता है जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, और वही हो रहा था अब्दुल्ला के साथ। लेकिन आज उन्होंने कमाल की इंटेंट शो की, कमाल की बैटिंग करते हुए उन्होंने आज अपने इनिंग्स खेली है, और ये बहुत आला प्लेयर बन सकता है यार, ये एक नया सुपरस्टार पाकिस्तान का बन सकता है, जैसे वो शॉट्स खेलता है यार, एक होता है ना कि बैटिंग देखने का मजा आता है जिसको, एक नीट एंड क्लीन बैटिंग, जैसे हम बाबर आजम की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, केन विलियमसन की बात करते हैं, वही हमें चीज इनमें भी नजर आती है, जैसे ये कवर ड्राइव इन्होंने मारी, एक ऑन ड्राइव कमाल की इन्होंने खेली, वाह यार कमाल की ये बैटिंग करते हैं, और ये प्लेयर टू वॉच होंगे। इस वजह से मैंने कहा था कि इनको ड्रॉप करके इनका कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए, फॉर्म अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन आपको ऐसे प्लेयर को बैक करना चाहिए, जैसे मिकी ऑथर की और बाबर आजम की मैंने एग्जांपल दी थी कि मिकी ने इनको बाबर को बड़ा बैक किया था जब बाबर के ऊपर टेस्ट मैच में बैड पैच था, लेकिन बाबर को उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, इसी तरह इनको भी बैक करना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आज फिर शो करवाया कि वो किस क्लास के प्लेयर हैं। अभी नॉट आउट है और पाकिस्तान ने 145 पे पाकिस्तान दो है, 21 रन बिहाइंड है। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान ने असल काम किया वो बॉलिंग में किया। आज श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, उनका मानना था, उनका ये आइडिया था कि हम पहले एक दो घंटे निकाल लेंगे, बिकॉज थोड़ी सी कंडीशन बॉलर्स को मदद दे रही थी शुरू में, लेकिन उनका यह मानना था कि हम शुरू के ओवर्स निकाल के फिर हम लंबा खेल लेंगे, बिकॉज ये जैसे जैसे पिच आगे जाएगी, यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड है कि ये बॉलर्स को आगे आगे मदद देना शुरू करती है और बाद में बैटिंग बहुत मुश्किल होती है। श्रीलंका भी यही चाह रहा था कि हम पहली इनिंग में एक लंबा टारगेट दे दें ताकि हमें बाद में बैटिंग ना करना पड़े, लेकिन उनको क्या पता था कि पाकिस्तान के इरादे आज डिफरेंट है। पाकिस्तान ने जो फील्डिंग में किया, जो कैचिंग पाकिस्तान ने की, ये चीज यार पाकिस्तान की एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमें इस सीरीज में नजर आई है। पिछले मैच में भी और इस मैच में भी पाकिस्तान की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी फील्डिंग के लिए जाना जाता नहीं है। पाकिस्तान ने जो रन आउट किए, पाकिस्तान ने जो कैचिंग की पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, जबरदस्त थी यार। और पाकिस्तान ने 166 पे उनकी ऑल टीम आउट कर दी, 4 विकेटें हासिल की अब्रार ने और 3 खिलाड़ियों का शिकार किया नसीम शाह ने और 1 शहीन ने विकेट ली, 2 रन आउट किए। पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग और पाकिस्तान ने बिल्कुल बेबस किया श्रीलंकन बैट्समैनों को। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने इतनी भी तबाहकुन पाकिस्तान ने बॉलिंग नहीं की, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा पाकिस्तान की बॉलिंग से, लेकिन श्रीलंका के बैट्समैनों ने ज्यादा गलती कि उन्होंने फॉल्स शॉट खेले, पता नहीं वो क्या खेल रहे थे, ज्यादा गलती उनकी थी बनिस्बत पाकिस्तानी बॉलिंग की। हालांकि पाकिस्तान ने अच्छी लाइन ऑफ बॉलिंग की, लेकिन ज्यादा जो मेरे ख्याल से मिस्टेक थी
श्रीलंकन बैट्समैनों ने अपनी गलतियों की वजह से विकेटें दी हैं और बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं, जिस वजह से श्रीलंका बिल्कुल बैकफुट पे चला गया। हालांकि आज भी धनंजय सिल्वा ने 50 बनाई, सिर्फ वही प्लेयर एक अच्छा खेलता हुआ नजर आ रहा है जो पाकिस्तानी बॉलरों को तंग कर रहा है, पाकिस्तानी बॉलरों का अच्छे से सामना कर रहा है। पिछले मैच में भी सेंचुरी और 83 की एक शानदार इनिंग खेली थी, आज फिर उन्होंने 51 रन बनाए लेकिन वो भी बड़ा गंदा आउट हुए और उसके बाद फिर कोई उनको सहारा देने वाला नहीं था। 166 पर ऑल टीम आउट होगी। पहले दिन का आज खेल खत्म हुआ, पाकिस्तान 21 रन बिहाइंड है। अब्दुल्ला और बाबर खेल रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, आज पूरे दिन पाकिस्तान ने कंप्लीट डोमिनेट किया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कल कैसा स्टार्ट करता है, बिकॉज पाकिस्तान को इस मैच में एक बारी लेनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपनी पहली इनिंग में इतना बड़ा टारगेट देना है कि श्रीलंका उसको फिर चेस ना कर सके, वो लीड ना श्रीलंका उतार सके, बिकॉज यहाँ पे चौथी इनिंग में बारी लेना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि आज जैसे अब्रार की पहली इनिंग में ही काफी टर्न हो रही थी, हालांकि हमें वो नहीं मिली टर्न, श्रीलंका की जानी से नहीं देखने को मिली, लेकिन एक बॉल जो लास्ट पे जो अपील हुई, जो अब्दुल्ला का आउट दिया गया, उस पर आपको पता चल गया होगा कि कैसे बॉल वो कितना अच्छा बॉल था, कैसे टर्न हुआ था। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे आखिरी इनिंग में बैटिंग करना काफी मुश्किल होगा। इस वजह से पाकिस्तान को एक ही बैटिंग करनी है, पहली इनिंग में इतना लंबा स्कोर करें, इतनी लंबी लीड दें कि पाकिस्तान को बाद में फिर बैटिंग ना करनी पड़े। इस वजह से ये पहली इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि पाकिस्तान अब कल कैसे आता है और किस अप्रोच के साथ खेलता है, क्या कल श्रीलंका कमबैक करता है या पाकिस्तान अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू करता है।